मैं दुर्गा माँ का सबसे पहला रूप शैलपुत्री हूँ। मुझे यहाँ देवी की तरह पूजा गया और नया सेवा संस्था में मेरा फ्री ऑपरेशन हुआ। मैं दुर्गा माँ का दूसरा रूप वैराग्य की देवी ब्रह्मचारिणी हूँ। मुझे और मेरी जैसी 501 बच्चियों को यहाँ पर पूजा गया और फ्री ऑपरेशन हुआ। मैं माता का तीसरा रूप शांति की देवी चंद्रघंटा हूँ। मैं ऑपरेशन के बाद खेलूंगी, कूदूंगी, पढ़ूंगी और लिखूंगी और मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। मैं माँ का चौथा रूप हूँ। मुझे यहाँ पर शक्ति की देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा गया। मैं अपने पैरों पे खड़ियों के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं माता का पांचवा रूप हूँ। मुझे यहाँ इतकन माता की रूप में पूजा गया। मैं और स्कूल बताना चाहूंगी। मैं उसका छठा रूप क्रोध और प्रतिशोध की देवी कात्यायनी हूँ। मेरा ऑपरेशन हो गया, अब मैं भी अपना बास्केटबॉल खेलने का सपना पूरा करूंगी। मैं उसका सातवां रूप उग्रता की देवी कालरात्रि हूँ। मेरे ऑपरेशन होने के बाद मेरा जिंदगी का अंधेरा खत्म हो गया, अब मैं वे सब कुछ करूंगी जो हमेशा से करना चाहती थी। मुझे यहाँ पवित्रता की देवी माँ गौरी के रूप में पूजा गया है और मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरा ड्रीम है कि मैं बड़े होकर पुलिस वाली बनूं और गंदे लोगों को सुधारूं। अब मैं आराम से अपने पैरों पर चलती हूँ। मैं उसका अनुभव और सबसे आखिरी रूप हूँ। मैं आज आपकी शक्तियों की देवी सिद्ध जाती हूँ। हम सबको अपने पैरों पर खड़ा कर एक नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू नारायण सेवा संस्थान। थैंक यू मदद करने की। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें एक अच्छा बचपन देने के लिए थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जैसे 501 बच्चियों को नवरात्रि में अपने पैरों पर चलाने के लिए। थैंक यू।